एनएफटी मुखफ्फफ है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले समझते हैं फंजिबल को। आसान अल्फाज में उर्दू में फंजिबल का मतलब है रिप्लेसेबल, ये भी इंग्लिश था वैसे, जिसको तब्दील किया जा सकता है। अब आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये जैकेट या फिर ये वॉलेट या फिर आपके हाथ में पकड़ा हुआ एक मोबाइल फोन, जब मैं ये जैकेट खरीदने जाता हूँ या इसको ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ तो मेरे जहन में ये नहीं होता कि मैंने कोई भी मखसूस जैकेट खरीदनी है। ये 400 दिरहम की जैकेट, मैं जाऊंगा ज़ारा पर, मैं बोलूंगा कि मुझे जैकेट चाहिए, वो मुझे एक जैकेट दे देंगे या मैं ऑनलाइन बाय करूंगा, आई डू नॉट केयर, एज लॉन्ग एज वो मुझे काली जैकेट, मेरे साइज की जैकेट मुझे भेज रहे हैं, आई डोंट केयर। आपको एक फुटबॉल बाय करना है, आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर जाकर बाय कर लें, मगर अगर आप रोनाल्डो का सिग्नेचर उस फुटबॉल पर ले लेते हैं तो क्या आपके लिए वो रिप्लेसेबल है? वो आपके लिए वन इन द वर्ल्ड है, आप उसको कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहेंगे, वो आपके लिए नॉन फंजिबल है। अब बात करते हैं एनएफटीज की। ये चीज फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत ईजी थी कि मोनालिसा की पिक्चर एक ही है दुनिया में और सबको पता है, चाहे लोग जितनी मर्जी इसकी कॉपीज बना लें, इसकी तस्वीरें लेकर इसको प्रिंट आउट कर लें, मगर सबको पता है कि तस्वीर एक है और जिसके पास वो तस्वीर है उसका वो ऑनर है। मगर डिजिटल एसेट्स यानी इमेजेस, ट्वीट्स या मूवीज या वीडियोस या कोई भी ऐसी चीज जिसको वेरीफाई करना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। लेट से मैं एक डिजिटल आर्ट बनाता हूं, मैंने बहुत मेहनत की, कई दिन लगाए और एक डिजिटल आर्ट बनाया, मगर डिजिटल एसेट्स का एक मसला होता है कि वो इजिली कॉपी हो जाते हैं, तो मेरे सिग्नेचर उस पर कैसे होंगे, वो सिर्फ मेरे पास कैसे रहेगी, इसलिए यूज होता है एनएफटी।